ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी देवी शाह। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस रियाज ब्यूटी। तो आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल में पहली बार देखे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो डू चेकआउट एंड फॉलो मी। सो आज का दिन की शुरुआत होती है मेकअप वगैरह करके, क्योंकि रेड वगैरह होके ही मैं निकलने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मार्केटिंग बाकी है। कल मैंने एक टोपी लिया है और आज कुछ लेना है इसलिए जाएंगे, इसलिए रेडी वेडी हो गई हूँ अभी थोड़ी सिर्फ लेने के लिए। वो चीज़ ले लेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे और पूरा दिन कैसा जाता है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और आज शायद 30 दिसंबर है, आज का दिन पूरा कैसा जाता है, हम लोग बहुत जगह घूमने जाने वाले हैं तो वो सारे कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, देखते रहो ब्लॉग को। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी है, तो आज हम लोग यहाँ रहने के बाद कल शायद सुबह के 5 बजे या कितने बजे नहीं पता, उस टाइम गाड़ी छोड़ेगा तो तब हम लोग जाएंगे फिर से रॉक्सल स्टेशन में, जिससे हम लोग फिर से हमारे घर वापस जाएंगे। मतलब कल रॉक्सल में ही पूरा स्टे करना है, मतलब 31st नाइट को हम लोग रॉक्सल में स्टे करेंगे एंड एंजॉय करेंगे जितना करना है। हाथ की हालत देख के पता ही चला होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडी लगी, तो देखते रहो क्या क्या होता है, क्या नहीं, क्या क्या ठूसती हो, कहाँ कहाँ जाती हो, क्या क्या करती हो। स्टे ट्यून, देखते रहो क्या क्या होता है व्लॉग में। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े, हम लोग क्यों बोली हूँ क्योंकि मैं और मेरी दीदी की सास मिलके चल पड़े थे लेना था इसलिए। उसके बाद स्ट्रॉबेरी खाया, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग मेरा पेशेंस नहीं हुआ, वहाँ ही स्टार्ट की थी खाना रास्ते में ही वो, और वहाँ धुला हुआ सेल हो रहा था इसलिए। उसके बाद एक मार्शमेलो लिया था, वो भी खाया। खाने के लिए इतनी मेहनत कौन करता है भाई, सब करते हैं ना। सांस फूल रहे बहुत, तो अभी हम लोग निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। वो उस जगह में बहुत ठंडा है, सब बोल रहे हैं हैं ना। गाड़ी जहाँ था वहीं है, हाँ वहीं चलो। ये कंप्लीट कर ले और कहाँ कहाँ क्या होता है नहीं पता। सब लोग बोले कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला जैकेट पहना है। नहीं पता कितना मानेगा कितना नहीं, फिर भी क्या कर सकते हैं। सब जगह एक ही पहनूंगी तो फोटो एक ही आए, तो फोटो एक ही आएगा ना, इसलिए तो वही सारे देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं। मैंने दवाई वगैरह भी ले ली है। तो भागटापुर में हम लोग पहुंच चुके थे, एक्चुअली जिस प्लेस में हम लोगों को जाना था वहाँ भी टिकट का सिस्टम था और टिकट बहुत खूबसूरत था। उन लोगों का पूरा वहाँ डेकोरेशन दिखाया हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना। और टिकट एक एक आदमी का 500 रुपया था, वहाँ लिखा भी है, आप लोग पॉज करके देख लेना। तो सारे मिल के जो पीछे पीछे लोग देख रहे हो ना, सारे हम लोगों के ही है, तो सारे हम लोग मिल के चलने लग गए कि अंदर जाना है। तो अंदर घुसने के लिए आपको टिकट दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही आपको घुसने को मिलता है। तो हम लोग चल पड़े, तो चलते चलते एक रास्ता आया जो रास्ता ऐसा काइंड ऑफ दिखता है, तो इससे भी आपको जाना पड़ेगा। और बीच में जो सेक्शन है उससे उन लोगों का गाड़ी वगैरह आता जाता रहता है, तो इसलिए ऐसे करके दिया हुआ है। तो उसके बाद हम लोग घुस गए और घुसने के बाद ही इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, उन लोगों का जो फ्लैग है वो सारी चीज़ें, इस गेट से ही आपको घुसना पड़ता है। तो वो हम लोग घुस गए, उसके बाद हम लोग नॉर्मली जा रहे थे, तभी भी चल रहे थे क्योंकि बहुत दूर जाने के बाद ही, टिकट देने के बाद ही आपको घुसने को मिलेगा। तो ये जो सामने दादा जा रहे हैं वही हम लोगों को गाइड करते हुए जा रहे थे कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये और एक गेट है जिससे आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपको घुसने को मिलेगा। तो
तो हम लोग चल पड़े टिकट दिखाने के लिए। उससे पहले दिख गया एक शायद उन लोगों का हीरोइन है या ऐसे ही फ़ोटोशूट हो रहा कुछ भी, तो सब लोग मिलके देख रहे थे। तो उसके बाद हम दादा के साथ चल पड़े, मैं दादा के पीछे पीछे चल रही थी क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, कौन जगह क्या है। तो टिकट वगैरह हम लोगों ने दे दिया, उसके बाद ही हम लोगों को घुसने को मिल गया कि जगह एक्चुअली में क्या है। जगह में एक्चुअली जो जो है वो दादा आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वो पूरा ही मैं आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो आप लोग वो ज़रूर अच्छी तरीके से सुन लेना, तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। यहाँ उन लोगों के बच्चे लोगों के लिए एक स्कूल चल रहा है, मतलब अभी भी तैयार पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद दादा ने क्या क्या बोला वो पहले सुन लो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर चाटन का मंदिर है, नेपाली आर्किटेक्चर का मंदिर भी है, साउथ इंडियन स्टाइल का भी मंदिर है। ये वाला नेपाली आर्किटेक्चर का मंदिर है, ये 16th century पे आया हुआ है। इस केम फ्रॉम द 16th century, 16th to 17th century का है 2000 MCO। एंड वो दूसरा वाला है साउथ इंडियन स्टाइल का मंदिर है, ये केदारनाथ का मंदिर है, ये द्वारिकानाथ का है, और रामेश्वरनाथ जगन्नाथ का मंदिर है, चाटन का मंदिर है। एंड इधर आप लोग देख सकते हैं वो घरवाली बारवाली हर राम हरे कृष्ण टू पान श्री देवी सबका इधर ही शूटिंग किया हुआ ये जगह है दरबार स्क्वायर। एंड फ्रॉम व्हाइट बिल्डिंग टू अप टू व्हाइट रोड जो सारा मेन पैलेस है, ये गिर गया था 1934 पर भूकंप से। एंड ये श्री पद्मा हाई सेकेंडरी स्कूल बना रहे हैं अभी। आप लोग देख सकते हैं दो स्टैचू है, उग्रचंद जी का एंड भैरव का स्टैचू है। तो अभी आप लोग दर्शन कर रहा है तो कर सकते हैं। वो सामने मल्ल राजा है, फिर सामने आप लोग देख सकते हैं दुर्गा कलेज भवानी का मंदिर है, साल में एक ही बार बनता है दशहरा पर, ये दुर्गा माता का मंदिर है। एंड ऊपर वो ब्लैक विंडो देख रहे हैं ना, वो वाला है 55 खिड़की दरबार है, 55 विंडो पैलेस सर नॉन एज 17th century का है, सो वी कैन टेक अ लुक। तो वो हम लोगों को जितना समझा पाए वो समझा दिया, क्योंकि वहाँ एक एक जगह का स्पेशलिटी जो मंदिर होता है वही वहाँ एक एक करके था डेकोरेशन करके, तो वही वहाँ का स्पेशलिटी था देखने के लिए। बहुत सारा जगह का मंदिर एक साथ देखने को मिलेगा, तो बहुत जगह का मंदिर एक साथ देखना है तो आप यहाँ आ सकते हो। और अच्छा खासा था मंदिर वगैरह भी, बहुत सुंदर, मतलब असली जैसा ही जैसा है तो वैसे दिख रहा था। ये वाला दुर्गा माता का मंदिर है, यहाँ 55 खिड़की है और यहाँ शायद भोग लगा था ऐसा टाइप का। और यहाँ बहुत सारा मंदिर है, मतलब एक एक जगह का एक एक जो स्पेशलिटी मंदिर होता है, जैसे पूरी का जगन्नाथ मंदिर वैसे टाइप का, ठीक है। तो यहाँ मंदिर इस साइड पे है और यहाँ एंट्री फीस मिनिमम आपको कितना मिलेगा वो मैं बाद में बताती हूँ। सबसे बड़ा मंदिर नेतापुला मंदिर, देन आफ्टर वी गो राम, इधर से जाकर इधर से नीचे जाकर इधर ही वापस आएंगे। तो एक बात बताइए, मेरे दीदी के लगेगा थोड़ा सा मूड ख़राब था इसलिए उसको ऐसे कर रही थी। उसके बाद एक चीज़ देखने को मिला, ऐसा हेयर स्टाइल किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते चले कि बहुत सारा चीज़ वहाँ सेल हो रहा था जो बहुत ही अच्छा, मतलब स्पेशली था। और यहाँ दो बच्चे लोग भी जा रहे थे जिन लोगों का शायद डांस परफॉर्मेंस था, ये भी सेल्स है जिन जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐसा टाइप का कुछ लिया नहीं, फिर भी दिखा दिया, आप लोग को लेना है तो आप लोग ज़रूर लेना। तो उसके बाद हम लोग घुस पड़े इस सेक्शन में, इस सेक्शन में ये एक मंदिर था जिसको आप वहाँ ऊपर चढ़ के उसके बाद आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, जो भी मन आए कर सकते हो। वो दादा फिर से हम लोगों को बोलने लग गए कि क्या 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 है, लेकिन हम लोग इतने सारे थे तो एक प्लेस में आने के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था एक्चुअली, इसलिए। तो उसके बाद दादा बोलने लगे कि क्या है। सुनो ना, सुनो ना, संदीप से संदीप से वो उसका हिस्से में है। और इसी जगह पर कुमार देवी का है ना,
बेबी बेबी क्या हुआ जगह है ये कौन सी सिटी बेबी थोड़ा सा जोर से बोलिए थोड़ा सा जोर से बोलिए थोड़ा जोर से बोलिए सुनाई नहीं दे रहा पीछे लोग जोर से बोलिए हम लोग सुनाई नहीं कर बना रहे हैं ना वुडन व्हील्स हाँ ये बिस्किट यात्रा के लिए यूज करते हैं 14 अप्रैल वी हैव अ नेपाली न्यू ईयर फेस्टिवल नेपाली न्यू ईयर फेस्टिवल इन 14 अप्रैल पर है ये बिस्किट यात्रा के लिए यूज करते हैं ये वुडन व्हील्स है ना वही है तो आप लोग को फोटो लेना है तो ले सकते हैं एंड दूसरा स्क्वायर है पोत्रु स्क्वायर मिट्टी का बना हुआ वो तो मिट्टी का बना हुआ तो उधर मिलेगा तो देखना है तो वो दिखा देंगे नहीं नहीं देखना है तो वी गो टू द स्कूल नहीं नहीं देखना है पेंटिंग स्कूल कौन सा स्कूल पेंटिंग 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 सभी देखेंगे तो मिट्टी का बना हुआ है ना मिट्टी का बना हुआ वही है हम सब लोग अभी फोटोज वगैरह खींच लेते हैं पोज मारे के उसके बाद हम लोगों का जहाँ ऐसा मतलब हम लोगों का 31st नाइट होता है उसके बाद 1st जनवरी हम लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं तो यहाँ नेपाल में ये लोग 14 अप्रैल बड़ा करके 30 जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है इसको कुछ करके डेकोरेशन करके और इसमें से ही कुछ करके इससे सेलिब्रेट करते हैं अपना हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद हम लोग चल पड़े ऊपर जाने के लिए और ऊपर चढ़ने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि ऐसे नॉर्मल सीढ़ी होता है तो वो अलग चीज़ होता है और यहाँ जो था उसमें गिरने का चांस बहुत ज़्यादा था। चप्पल स्लिप हुआ तो आप पूरा नीचे ऐसा है। फिर भी हम लोग चल पड़े। उसके बाद जाके हम लोग सारे मिलके वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे इसलिए पोज वगैरह मार रहे थे और मुझे वीडियो शूट भी करना था वो हम लोग कर लिए। तो मेरे दीदी के लड़के को और मेरी भाभी की लड़की को मिल गया एक बच्चा जिसको के साथ वो लोग फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए कर रहे थे और वो बच्चा रोने लग गया। बच्चा भी बहुत ज़्यादा क्यूट था गोलू मोलू सा था मुझे बहुत पसंद आ रहा था। उसके बाद हम लोग नीचे चल आए और यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ मिल रहे थे जो आप घर में शोकेस में डेकोरेट कर सकते हो। तो उसके बाद फिर से प्लेन देखने को मिला जो चीज़ वहाँ का आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया ही था। तो उसके बाद एक जगह आए जो बहुत ही शांत था और बहुत ही ज़्यादा ख़ास था क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग्स वगैरह हुआ पड़ा था जो सेल्स भी होता है और वहाँ के जो आप देखिए थोड़ी देर पहले के वहाँ कोई पेंटिंग कर रहा था तो ये एक पेंटिंग स्कूल था तो वहाँ है हम लोग जाने के लिए घुसे मतलब आप घुस भी सकते हो वहाँ। तो उसके बाद हम लोगों ने सारे पेंटिंग्स वगैरह देखे जो फील किया। उसके बाद दादा ने बोला फिर से पूरे पेंटिंग में मुझे ये पेंटिंग सबसे खास लगा क्योंकि इसमें पूरा नेपाल दिया हुआ है जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और जिन्होंने इसको पेंट किया है ना तो उसका मतलब हाथ में जादू है मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये एक पेंटिंग था जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया इसलिए मैंने ये इसका भी शूट ले लिया। उसके बाद हम लोग घुस पड़े पेंटिंग स्कूल के अंदर तो बहुत बहुत ज़्यादा हर एक टाइप का पेंटिंग था जो कोई कोई चीज़ मतलब हम लोगों को समझ तक नहीं आया कि एक्चुअली में है क्या।
फिर भी हम लोग देखे और वो चीज़ को एंजॉय किए कि क्या क्या है। और यहाँ का जो कलर वगैरह है वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, आप देख सकते हो कुछ अलग डिफरेंस कुछ होगा, वो हम लोग को दादा ने ठीक तरीके से बताया नहीं और अंदर भी कोई नहीं था तो इसलिए डिटेल्स में भी कुछ नहीं पता चला। और नेपाल में एक प्रॉब्लम हो रहा था कि कोई कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा था, उनको उनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को तो उनकी भाषा आती नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन पेंटिंग की बात करूँ तो सारे पेंटिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ये जो पिक्चर गणेश जी के देख रहे हो वो उस पिक्चर में मेरे दीदी के लड़के ने बहुत सारे पोज दे के फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचे थे, लेकिन वो पिक्चर मैं लास्ट क्लिप में पूरा ऐड कर दूँगी और नहीं तो आप फेसबुक में जाके भी देख सकते हो मेरे आईडी में, उसका आईडी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। और यहाँ थोड़े छोटे जो डॉल्स वगैरह होते वो सेल्स हो रहा था। उसके बाद हम लोग एक मंदिर के अंदर घुसे जिस मंदिर में 55 खिड़की थे उस मंदिर के अंदर। उसके बाद अंदर का कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाई, बाहर का डेकोरेशन कैसा हुआ था गेट का वही दिखा पाई क्योंकि अंदर पूरा ही लिखा हुआ है कि कैमरा अलाउ नहीं है, वहाँ पूरा आर्मी लोगों का बंधा हुआ है कि नहीं कैमरा आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो वो सारे देखने के बाद तो मैं व्यू के एंजॉय करते हुए थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा रही थी पोज मार के। तो सब लोग देख सकते हो कि कैमरा लेके जाना और व्लॉगिंग करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि सारे लोग आपके तरफ ही देखते रहते हैं, इसलिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फर्स्ट डे हो रहा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ते वो मेकअप हो गया और आप देख पाओगे अभी कि ये लोग कैसे मेरे कैमरा में झांकेंगे। उन लोगों को शायद कुछ बोलना था लेकिन मैंने कैमरा अचानक से ही ऑफ कर दिया, वो चीज़ गलती हुई मेरे से। उसके बाद मेरी दीदी के लड़के ने ख़रीदा, मैं फ़ोटो खींचने के लिए पोज मारी थी, कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ ऐसे ही मंदिर टाइप का सब कुछ है, वो सारे हम लोग देख लिए और थोड़ा थोड़ा कुछ है शायद देखते हैं। फिर से एक हीरोइन या उन लोगों का कुछ भी शूट वगैरह चल रहा था वो देखने को मिल गया और सारे लोग बोल रहे इतने छोटे बच्चे की क्या शादी हो रही थी, तो मुझे नहीं लगा शादी हो रही थी। उसके बाद एक प्लेस में जाने वाले थे जो था सनसेट देखने का प्लेस, तो हम लोग पोखरा में देखे थे सनराइज़ का। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे वो व्लॉग नहीं देखे वो जाके ज़रूर चेकआउट करना, बहुत खूबसूरत था। और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा सनसेट कैसा होता है और सनसेट का प्लेस ओह माय गॉड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो था ही लेकिन ठंडा, इतना ठंडा कहाँ होता है भाई, गाड़ी से ना उतरे उसके बाद ही मतलब इतना हवा आया कि हालत पूरा ख़राब कर दिया उन लोगों ने, मतलब उन लोग बोल रही हूँ वेदर ने। तो उसके बाद सनसेट मैंने सोचा था कि सनसेट हम लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि तब जब मैं ये शूट कर रही थी तब हम लोगों का बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैंने ऐसे ही गाड़ी से भी ले लिया कि उसके बाद नहीं दिखा पाऊँ तो क्या होगा। इसलिए उसके बाद जितने देर तक हम लोग पहुँचे उतने टाइम तक सनसेट तभी भी था, हम लोगों को देखने को मिला तो वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी चक्कर में क्या हुआ ये व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाई कि बस से जाते जाते भी सनसेट कितना सुंदर लग रहा था। एक्चुअली में पहाड़ में जाओगे तो वो ही अच्छा लगता है सनसेट और सनराइज़। इसके बाद हम लोग ये जो सीन देख रहे हो ये हम लोग बस से उतरने के बाद था, जो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हवा लग रहा था लेकिन फिर भी कि फीलिंग्स शेयर करने के लिए लायक है नहीं, मतलब इतना अच्छा फीलिंग्स था। सब लोग मिल के फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था और बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके बाद इस भाई ने ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी देवी शाह
तो ये चीज़ इन्होंने जो बोला वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं शेयर करने वाली। जब मेरा फर्स्ट क्यू एन ए मेरे चैनल पर होगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये दिखाई मैं क्यों, एक्चुअली में ये क्या है। सिर्फ ये जान लो जी, वो जो नाम था वो सिर्फ वहाँ के नेपाल का रानी का था, ठीक है, और इसकी कुछ खासियत मेरे साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद चाय वाय पी के हम लोग फिर से व्यू को एंजॉय करते हुए चल आए, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा शॉपिंग बाकी था, क्योंकि मम्मी को पापा के लिए कुछ लेना था। पहले डिसाइड किया था कि नहीं लेना है, उसके बाद सोचे कि जाएंगे, तो वो सारे चीज़ लेने के बाद हम लोग पूरा पैकिंग वगैरह कर लिए, घर आ गए। देखो मेरे दीदी के लड़के को और रात में रोटी और दाल थी, ऐसा कुछ समथिंग था नहीं। उसके बाद हम लोग सोने चल पड़े, क्योंकि उस दिन जल्दी नहीं सोएंगे तो दूसरे दिन 4 या 3 बजे आपको उठना पड़ता था, इसलिए तो हम लोग उठे, आप लोगों को नहीं सॉरी, हम लोगों को उठना पड़ता था, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सो गए। और मैं यहाँ आके एक चीज़ फील की, मेरी स्किन में थोड़ा सा ग्लोइंगनेस, मतलब अभी तो मेरा पूरा मेकअप उठा हुआ था ना, फिर भी वो कुछ खासियत दिख रहा था, तो वही मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। तो क्या ट्रिक फॉलो करी वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। दूसरे दिन हम लोग कहाँ गए वो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि दूसरे दिन के व्लॉग में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और एक्स वाई जेड जिसके साथ भी मन चाहे शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो मेरे सोशल मीडिया पे, तो उसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होगी। और ये सारे फ़ोटोज़ वगैरह आप लोगों को मैंने शेयर कर दिए, फ़ोटोज़ वगैरह आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताना। कमेंट नहीं करते हो भाई तुम लोग, और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, जिसे सब्सक्राइब करने में आप लोगों का पैसा चल जाएगा। तो वीडियो भी देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।